नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल खबर में। सिंगू बॉर्डर पर एक और किसान की मौत, फंदे पर लटका मिला शव। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इसी बीच सोनीपत के कुंडली सिंगू बॉर्डर पर बुधवार को प्रदर्शन में शामिल एक किसान का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। मृतक किसान का नाम गुरप्रीत सिंह बताया जा रहा है। वो पंजाब के फतेहगढ़ साहिब का रहने वाला था। वो लंबे समय से प्रदर्शन में शामिल था। उनकी ट्रॉली के लोगों के पिछले दिनों पंजाब चले जाने के बाद से वो अकेला ही रह रहा था। बुधवार सुबह लोगों ने उसका शव फंदे पर लटका देकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव उतरवा कर पोस्टमार्टम को भिजवा कर जाँच शुरू कर दी है। अभी तक पुलिस को सुसाइड नोट नहीं मिला है। कृषि कानून विरोधी प्रदर्शन में पंजाब की दर्जनों ट्रॉलियां कुंडली बॉर्डर पर हैं। प्रदर्शनकारियों में शामिल रुड़की गांव का रहने वाला 45 साल का व्यक्ति गुरप्रीत सिंह भी वहीं पर था। दीपावली से पहले उसकी ट्रॉली के अन्य साथी पंजाब चले गए थे। वो अपनी ट्रॉली पर अकेला ही रह रहा था। बुधवार सुबह लोगों ने देखा कि एक व्यक्ति का शव हुडा सेक्टर में अंसल सुशांत सिटी से आगे नांगल रोड पर पार्कर मॉल के पास एक नीम के पेड़ पर रस्सी से लटका हुआ है। लोगों ने इसकी सूचना कुंडली थाना पुलिस को दी। पुलिस ने शव को उतरवाकर पहचान का प्रयास किया। मरे हुए की पहचान पंजाब के गुरप्रीत सिंह पुत्र गुरमेल सिंह के रूप में हुई। वो भारतीय किसान यूनियन सिद्धपुर से जुड़ा था। प्रदर्शनकारियों के माध्यम से मरे हुए के स्वजनों को सूचना भेज दी गई है। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए और भी खबरों को जानने के लिए। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, लाइक करें फेसबुक पर और ज्यादा जानकारी के लिए नेशनल खबर की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ नेशनल खबर।